एक कहावत है, कोवा चला हंस की चाल और अपनी चाल भी भूल गया। ये कहावत पाकिस्तान पर बिल्कुल सटीक बैठती है। दुनिया जानती है भारत और रूस की दोस्ती को। जहां भारत रूस के लिए दुनिया से लड़ने की ताकत रखता है, वहीं रूस भारत की कोई बात नहीं टाल सकता। लेकिन पाकिस्तान भी सोच रहा था कि वो भी भारत के तरह बन सकता है, मतलब जो रिश्ते भारत के रूस के साथ हैं, वो वैसे ही रिश्ते कायम कर सकता है रूस के साथ। तभी तो पिछले दिनों पाकिस्तान से खबर आई थी कि जल्द ही रूस से सस्ता तेल खरीद लिया जाएगा, लेकिन अभी तक तो ऐसा नहीं हो पाया है। लेकिन आज खबर ये है कि रूस में पाकिस्तान के उप विदेश मंत्री को शर्मसार होना पड़ा और बेइज्जती भी ऐसी कि पूरा पाकिस्तान शर्म से लाल हो गया। नमस्कार, NMF न्यूज देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। पहले आपको याद दिला दूं कि ये वही हिना रब्बानी खार है जो अक्सर भारत और मोदी के विरोध में खड़ी रहती है। इनका कहना है कि नरेंद्र मोदी के रूप में उन्हें एक सहयोगी नजर नहीं आता, जबकि पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने खुद मोदी से बातचीत करने की इच्छा जताई थी। अब सुनिए रूस में क्या हुआ। दरअसल समरकंद में रूस और पाकिस्तान की एक बैठक चल रही थी और बैठक में हिना रब्बानी खार को बेइज्जती का सामना करना पड़ा। बैठक के दौरान हिना रब्बानी खार बिना अपनी टीम के सरगेई लावरोव के साथ द्विपक्षीय वार्ता करने के लिए पहुंची थी। इस दौरान लावरोव ने हिना रब्बानी से उनकी टीम के ना आने पर सवाल पूछा। इस पर हिना रब्बानी खार शर्मिंदा हो गई और बातचीत को बीच में छोड़कर ही चली गई। पाकिस्तान अपनी खस्ता हाल अर्थव्यवस्था को उबारने के लिए रूस से सस्ते तेल खरीदने के चक्कर में पड़ा हुआ है। इतना ही नहीं, पाकिस्तान ने रूस के सामने गेहूं भी खरीदने का प्रस्ताव रखा है। पहले आप खुद सुन लीजिए लावरोव ने क्या पूछा और हिना रब्बानी खार ने क्या जवाब दिया। We are not a big power like Russia. No, don't be too modest. You know. We are friends. Friends do not care about the size. Sure. And after all, small is beautiful. Yeah. एक रिपोर्ट के मुताबिक हिना रब्बानी खार और लावरोव राजनयिक वार्ता के लिए मेज के आमने सामने बैठे हुए थे। लावरोव के साथ रूसी राजनयिकों की पूरी टीम मौजूद थी, जबकि हिना रब्बानी खार दूसरी तरफ मेज पर अकेली बैठी थी। इस पर लावरोव ने पूछा, आपकी बाकी की टीम कहाँ है। इस पर हिना रब्बानी खार ने कहा, हमारे पास छोटी टीम है और बाकी लोग बाद में आएंगे। हम एक छोटी टीम के साथ यात्रा कर रहे हैं और यहाँ भी हमारा एक छोटा सा दूतावास ही है। हम रूस जैसी बड़ी शक्ति नहीं है। हिना को बेइज्जत होता देख लावरोव ने खुद ही बात को संभालने की कोशिश की और जवाब में कहा, कोई बात नहीं, ऐसी बात दोस्तों के लिए मायने नहीं रखती। हम विनम्र बने रहते हैं, हम दोस्त हैं और दोस्त आकार की परवाह नहीं करते। पाकिस्तान समरकंद में सस्ता तेल खरीदने के लिए बातचीत करने के लिए पहुंचा था, लेकिन अभी तक इस बात की पुष्टि नहीं हो पाई है कि रूस पाकिस्तान को तेल देने पर राजी हुआ है या नहीं, क्योंकि पाकिस्तान तेल खरीदने के लिए रूस से और ज्यादा रियायत की मांग कर रहा है। हालांकि रूस पाकिस्तान की मांग पर राजी नहीं है। पाकिस्तान को ये भी डर है कि अगर वो रूस से तेल खरीदता है तो कहीं अमेरिका उससे नाराज ना हो जाए। इस मुलाकात के बाद इस बात का खतरा भी पाकिस्तान के लिए बढ़ जाता है। पाकिस्तान को कंगाली से बचने के लिए IMF से मदद की जरूरत है, जिस पर अमेरिका का ज्यादा नियंत्रण है। आपको बता दूं कि पाकिस्तान दोनों हाथ में लड्डू लेना चाहता है। वो अमेरिका का भी बना रहना चाहता है और रूस का भी बना रहना चाहता है। देखिए, एक तरफ अमेरिका के कहने पर पाकिस्तान यूक्रेन को हथियार बेच रहा है और अब तक करीब 400 कंटेनर हथियार वो यूक्रेन में भेज चुका है। यहाँ तक कि जो हथियार उसने खुद यूक्रेन से ही खरीदे थे, उन्हीं हथियारों को यूक्रेन को वापस बेचकर डॉलर कमा रहा है। दूसरी तरफ पाकिस्तान चाहता है कि रूस उसके पुराने हो चुके फाइटरों को अपडेट करे और उसे सस्ते दाम पर तेल भी दे। ये सारा दोहरा रवैया अपनाया जा रहा है सिर्फ डॉलर के लिए, क्योंकि पाकिस्तान को अपना कर्ज चुकाने और देश का पेट भरने के लिए पैसे की जरूरत है और पैसा उसे कोई देने के लिए तैयार नहीं। पाकिस्तान सिर्फ IMF की मदद पर जिंदा रह सकता है और IMF
अभी पाकिस्तान को पैसा देने के मूड में नहीं। पाकिस्तान को इस बात को समझना चाहिए कि वो पाकिस्तान है, भारत बनने की कोशिश ना करें। जिस दाम पर तेल मिल रहा है उसे खरीद ले और देश की आवाम का थोड़ा बहुत जो भला हो सकता है उसे कर ले। वैसे इस घटना के बाद पाकिस्तानी मंत्री की पाकिस्तान में भी खूब आलोचना हो रही है। लोग ट्विटर पर जमकर हिना रब्बानी खार और बिलावल भुट्टो की क्लास लगा रहे हैं। वैसे आप इस खबर पर क्या राय रखते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं। Where is the rest of your team? The rest of my team. We have a small team and the rest will come. No. We are traveling with a small team and we have a small embassy. We are not a big power like Russia. No, don't be too modest. You know? We are friends and friends do not care about the size. Sure. And after all, small is beautiful. Yeah.